द स्ट्रेंज टाइम इज गोइंग ऑन बट द बेस्ट पार्ट इज यू कैन वर्क फ्रॉम एनी वे सो गेस वॉट आई डिसाइडेड टू कम टू दिस प्लेस एंड एक्सप्लोर इन अ डिफरेंट वे लाइक पीपल यूजली डोंट डू आई होप यू गाइज विल एंजॉय दिस वीडियो स्टे ट्यून्ड अभी अराउंड 30 किलोमीटर के आसपास कवर कर लिया है बेसिकली. अभी यहाँ पे अब चाय पीने के लिए रुके हैं. अभी चाय निकाली जा रही है. ये बोलना इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट. इसमें कज़न उत्कर्ष दोनों साथ में ट्रैवल कर रहे हैं आज. अभी चाय पियेंगे यहाँ से निकलेंगे आराम से. रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है. अगर आप जबलपुर टू कान्हा ट्रैवल कर रहे हो तो इसमें दो रूट हैं. हम लोग ने पता नहीं कौन सा रूट लिया है बट इस रूट में मत आना आप. नेवास वाले रूट से जाना. इस रूट से मत जाना. बहुत ही ज़्यादा ख़राब रूट है. अभी पता नहीं आगे कितना टाइम लगने वाला है. लेट्स सी. क्या खूब लिखा है ट्रक ने. बुलाती है मगर जाने का नहीं. रोड है जिस प्रकार की ना. मुझे तो लक्षण ठीक नहीं लग रहा है. ये तो है तो ट्रैवलर की पहचान. 80 साल के हैं भाई. अभी इसको इग्नोर कर दो. और अभी प्लान ये है तो नहीं रहे. प्लान ये है कि अभी यहाँ से चाय वाय पियेंगे और फिर सीधे पार्क के लिए निकलेंगे. तकरीबन 2 घंटे लगेंगे अभी रिजॉर्ट पहुँचने में. और रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है. तो अगर आप लोग आ रहे हो तो आप प्रेफर करना बस इस रूट से मत आना. कहीं से रूट से ही आओ क्योंकि ये रूट में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. और एज पर आर एक्सपीरियंस तो अभी तक तो बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस है रूट. यहाँ तक मंडला तक की रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है. तो आप सीधे दूसरे रूट पकड़ के आओगे तो जल्दी पहुँचोगे. बट हाँ चिप्स खाओ अच्छा रहता है. चिप्स और चाय पियो. चिप्स खाओ हेल्थ बनाओ. हाँ क्योंकि तो ऐसे खड़े भी नहीं रह सकते. वही मैंने देखा क्योंकि यार अभी बांधवगढ़ गए थे. हाँ. वहाँ पे इतनी भयानक ठंड है. हाँ. और जबकि कान्हा ज्यादा ठंडा रहता है. हाँ. 2 दिन से बारिश भी हो रही है. अच्छा तो सफारी में तो कोई इफेक्ट नहीं होता होगा ना बारिश. नहीं, बारिश इतनी जोर से नहीं है कि. हाँ रिमझिम रिमझिम. हाँ फिर ठीक है. ठंड के ऊपर असर होता है. हाँ ठीक है. हाँ यहीं पे खाना वाना लगवा दो आप सब. दिस इज अवर रूम. रूम अच्छा है भाई. यहाँ पे भी कुछ है यार. ओके यहाँ तो वॉशरूम है. कबर्ड है. अंदर से बाहर देखें क्या है. खुलती है. टाइट है. जाम है भाई. तो सबसे पहले पानी गर्म किया जाए. तो फाइनली रिजॉर्ट पहुंच चुके हैं. और अभी आपने रूम देखा और लोकेशन तो बहुत तगड़ी है. अगर आप कान्हा आ रहे हो ना तो ये मृदु किशोर रिजॉर्ट ज़रूर आना क्योंकि यार शानदार है.
एनीवेज अभी बज रहे हैं 11 बजे, हम लोग पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड टाइम पे पहुंच गए हैं, और अभी डिनर विनर करते हैं, उसके बाद आपको रिजॉर्ट अच्छे से दिखाते हैं, है ना। जस्ट डन विद अवर लंच, और कसम से जो रिजॉर्ट है काफ़ी अच्छा है। अभी जो हमारी सफारी की टाइमिंग है वो है कल मॉर्निंग 6 बजे से 11 बजे तक, तो तकरीबन 5 बजे जैसे कि बाकी जगह होता है तो मेन गेट पे जाकर अपनी सफारी बुक करनी है, और वो 6 बजे के आसपास लेने आएगी एंड देन फिर हम निकलेंगे। अभी मस्त 12 बज रहे हैं, आराम से डिनर हो गया टाइम पे, और आराम करने के लिए काफ़ी टाइम है, तो अभी सीधे थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, बॉडी भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएगी, और कल सुबह फ्रेश फ्रेश सफारी घूमते हैं, आपको भी घुमाते हैं। अभी के लिए इसको यहीं पर रोक देते हैं और सीधे मिलते हैं सुबह। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी फ़िलहाल बज रहे हैं 5, और किस्मत से हम लोगों की नींद खुल गई, पता नहीं क्यों सारी मतलब एक भी अलार्म बजे नहीं, लेकिन एकदम से नींद खुल गई, तो अभी सपना देखते हुए नींद खुल गई, तो अभी चाय का मज़ा ले रहे हैं, और अब सीधे गेट पे जाना है, वहाँ पे सफारी का चार्ज पे करना है, फिर सीधे पार्क के अंदर निकल जाएंगे। तो चाय ख़त्म करते हैं एंड देन उसके बाद सीधे निकलते हैं हम पार्क के लिए। एंड यू गाइस कैन सी कितना क्राउड है आज। अभी हम अपने जोन के लिए निकल रहे हैं, हमारा जो मेन जोन है वो है किसली जोन, और किसली जोन के लिए एंटर होने के लिए हमें खटिया गेट से एंटर होना पड़ेगा, और फिर वहाँ से किसली पहुँचेंगे ना। तो अभी कितना बज गया, 6 के आसपास हो गया ना, 6:15 की टाइमिंग थी, लेकिन पता नहीं क्या इशू है कि वो अभी मूव कर ही रहे हैं सब धीरे धीरे। लेकिन हमारा ड्राइवर और गाइड अभी तक नहीं आया है, पता नहीं क्यों, नहीं वेट कर रहे हैं, उसके बाद सीधे निकलेंगे अंदर पार्क के लिए। वी हैव जस्ट एंटर्ड खटिया जोन, खटिया गेट, यहाँ से डायरेक्ट किसली जोन के लिए निकलेंगे, एंड अभी सफारी स्टार्ट हो चुकी है। टाइगर के अलावा बियर और लेपर्ड्स की कितनी डेंसिटी है यहाँ पर, मतलब चांसेस रहते हैं देखने के? टाइगर से जो है ज़्यादा है लेपर्ड, ओके, बियर कम है, बाकी थोड़ा दिखाई कम देते हैं वो लेपर्ड और ऐसे में भी कभी कभी बहुत अच्छा चांस होता है, क्योंकि ये रहता है फॉग होने से जो है ना उसको लगता है कि चीतल जो है अंधेरा ही है। स्पॉटेड डियर से नहीं भाई, इतना फॉग मैंने पहली बार देखा, अभी हल्की बारिश हो गई है ना, ये बारिश के कारण है ना, अभी 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। आप लोग देख पा रहे हो तो ये यहीं से सनराइज हो रहा है,
इस डायरेक्शन से अलार्म कॉल आ रही है और टाइगर की भी आवाज़ आई है। यहाँ पर पूरी सी लगी हुई है, सब वेट ही कर रहे हैं। शुरू में एक बार क्लियर आवाज किया, थोड़ा दूर में लग रहा था। उसके बाद में फिर बाघ आवाज किया, उसके बाद में चीतल जो है ये इतने थोड़ा रुक के चलते हैं, पीछे चलते हैं जैसे वो ऊपर में अलार्म कॉल को पैक कर रहे हैं। तो अभी तक 8 बज गए हैं और पहले जहाँ पे आपने देखा था वहाँ पे टाइगर ने भी कॉल किया था, लाइक टाइगर की भी आवाज़ आई थी और सांभर कॉल भी था, अलार्म कॉल था। काफ़ी देर वहाँ पे आधा घंटा रुकने के बाद भी टाइगर नहीं मिला। अभी हम लोग ने एक छोटा सा ब्रेक लिया है, फिर उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे और देखते हैं, होपफुली मिलना तो चाहिए आज। फिलहाल लोकेशन ये है। उनके रहते में कोई आवाज़ नहीं गया टाइगर, जैसे वो लोग भागे हैं और उसके 5 मिनट बाद रोर किया टाइगर, इतने बीच में बैठा है। ये दो जगह ज़्यादा अच्छा है, उधर मेरे को कम लग रहा है, इधर कम है, फिर गड्ढा में कम हो जाएगा, फिर गड्ढा का टेम्प पड़ता है उसका मूवमेंट उस तरफ से होना चाहिए। बच्चे भी हैं इसके, चलेंगे। ये जो घास के अंदर में बिल्कुल नहीं दिख रहे। अच्छे डियर वाली वैरायटी में सबसे बड़े हैं क्या? ये सबसे बड़ा होता है सांभर डियर। पोजीशन ले ली दोनों ने, वो लड़ेंगे अब दोनों। बड़ा मेल है, एक छोटा है, हो सकता है थोड़ा सा उनको फाइट प्रैक्टिस वाला है। प्रैक्टिस फाइट होगी पहले राउंड वन में। तो टाइगर है तो पूरी लड़ाई करेगा, घर की लड़ाई करेगी। ये राइट वाला जो है वो छोटा है, वो उसको उकसा रहा है। एक ने क्विट कर दिया क्या? है ना? मैसिव मेल सांभर, हॉर्न देखो इसके कितने बड़े भाई, बाप रे।
बाघ वहाँ से भी आवाज़ किया था। सो दिस वॉज इट। आई होप आप सबको मज़ा आया होगा एंड ट्रस्ट मी गाइज, इट टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक दिस काइंड ऑफ वीडियोज़। सो इफ़ यू रियली लाइक माई वाइब एंड अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो एंड यू आर हैप्पी अबाउट इट, देन कंसिडर हिटिंग सब्सक्राइब एंड बी अ पार्ट ऑफ अवर हैशटैग ट्रैवल फैमिली। इस वीडियो में सफ़र सिर्फ यहीं तक था, लेकिन जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।